हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एंड इस वीडियो में बात करेंगे आरती इंडस्ट्री से रिलेटेड। देखिए, आरती इंडस्ट्री का शेयर कल की डेट में रिजल्ट आए, डिविडेंड कंपनी ने दिया एज वेल एज बोनस दिया 1:1 का। एंड जब भी बोनस अनाउंस होता है ना, तो क्या होता है कि शेयर मोस्टली भागता हुआ नजर आता है। बट अगर हम देखते हैं आरती इंडस्ट्री के केस में, यहाँ पर आप देख लीजिए तो ये शेयर आज के दिन में लगभग 5% गिरता हुआ नजर आया, और ज़्यादा ही गिरा था, लगभग 6% तक। बट इसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर आ गया था। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों ये शेयर गिरा है, उससे रिलेटेड बातें करेंगे और आपको बताएंगे कि ये शेयर से एग्जिट कर लेना है या हमें और इसमें एड ऑन करना है ताकि हमें अच्छे खासे गेन मिले। तो इसी चीज़ से रिलेटेड ये वीडियो है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब आपको एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी इस स्टॉक से रिलेटेड। बाकी आप बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। और आज की डेट में एमटा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड शेयर से रिलेटेड बातें करी गई है, इसे वीडियो को जरूर देख लीजिए। और कल की डेट में काफ़ी सारी वीडियोज अपलोड हुई थी, तो डेली बेसिस पर वीडियो देखेंगे तो आपको एक नॉलेज अच्छी खासी गेन हो जाएगी। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आरती इंडस्ट्री का चार्ट पैटर्न मैक्सिमम की बात करें तो देखिए काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी प्रॉमिसिंग है और अच्छा खासा है। इसने अगर एक साल की बात करते हैं तो शेयर ने अच्छे खासे यहाँ पर गेन भी प्रोवाइड करे हमें, नो डाउट। ओके, लगभग 100% से ज़्यादा के गेन मिले हैं, और 100% के गेन एक साल में मिल जाना मतलब अच्छे खासे गेन। और आरती इंडस्ट्री काम क्या करती है, स्पेशलिटी केमिकल्स एज वेल फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में कंपनी सेगमेंट में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो कंपनी गिरने के पीछे, शेयर के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि आमतौर पर जब भी बोनस अनाउंस होता है तो शेयर भागता हुआ नजर आता है, बट यहाँ पर गिर गया ये शेयर। तो यहाँ पर दो रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न जो मैं आप जो हो सकता है ये है कि ये शेयर ना ऑपरेटर ऑपरेट करके या फिर बड़े लोग निकलवा के आपकी जेब से निकलवा के अपनी जेब भरना चाहते हैं, तो ये एक रीज़न हो सकता है। क्योंकि अच्छे शेयर जब भी बोनस अनाउंस होता है तो मोस्टली भागता हुआ दिखाई देता है। तो इतने नीचे लेवल पर ये शेयर मिल रहा है, मतलब तो ये शेयर आपको ये शेयर अच्छे लोग, बड़े बड़े जो लोग होते हैं तो वो अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, और वो भी जब ऐसी न्यूज़ आए। बट अगर बात करते हैं यहाँ पर कि गिरा क्यों है, तो दूसरा रीज़न यहाँ पर ये सामने आ जाता है। देखिए इनकी जो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट यहाँ पर कम होता हुआ नज़र आया है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं टोटल इनकम, तो टोटल इनकम देखिए अच्छी खासी बढ़ती हुई नज़र आई है, नो डाउट। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बढ़त है टोटल इनकम में। ओके, यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें वो भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, कंसोलिडेट की बात कर रहे हैं। बट अगर यहाँ पर टोटल एक्सपेंस देखते हैं तो एक्सपेंस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, ईयरली क्वार्टरली यहाँ पर सब वाइज, बट यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पर कम होता हुआ नज़र आ रहा है, 13,934 लाख रुपीज़। इससे पहले 16,000 लगभग 17,000 करोड़ लाख रुपीज़ था, इससे पहले 11,000। तो ईयरली बेसिस पर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, बट अगर क्वार्टरली बेसिस पर बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर गिरता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आप EPS से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 2.31 रुपये का EPS है, या दो उससे पहले 2.83 रुपये का था, इससे पहले 1.14 रुपये। तो एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पर रिजल्ट थोड़े से डल आते हुए नज़र आए क्वार्टरली वाइज। जब कंपनी क्वार्टरली वाइज भी अच्छे रिजल्ट दे और ईयरली वाइज भी अच्छे रिजल्ट दे ना, तो समझ लीजिएगा कंपनी में काफ़ी दम रहता है, उस चीज़ को मार्केट रिएक्ट करती है। तो इसी वजह से अगर बात करें यहाँ पर ये गिरता हुआ यहाँ पर शेयर, एक रीज़न ये भी हो सकता है कि रिजल्ट बाजार को पसंद नहीं आए, इस वजह से यहाँ पर गिर गया। बट इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से अगर मैं आपको बताऊं कि ये शेयर आपको बेचना नहीं चाहिए, ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, आपको बेचने की ज़रूरत ही नहीं है बल्कि एड ऑन करने की ज़रूरत है, इसके पीछे रीज़न है ये। तो यहाँ पर अगर डिलीवरी की बात कर जाए, आज की डेट में 11,62,123 शेयर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए हैं, मतलब लोगों को पता है कि ये बस जस्ट अ प्रॉफिट बुकिंग है और कुछ नहीं है। अगर आज पूरे दिन देखेंगे ना तो खरीदने वाले लोग ज़्यादा थे, बेचने वाले कम थे, इसी वजह से थे क्योंकि बोनस मिला है और ये शेयर 5% नीचे आ गया है, तो 5% शेयर का गिरना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। तो लोग ऐड ऑन करना पसंद करते हैं, अगर कल की डेट में और गिर जाता है तो ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, इसे बेचने की नहीं। बाकी अच्छा हुआ कि ये शेयर गिर गया, तो एक अच्छा मौका मिलेगा कम इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का, अच्छे शेयर को। एज वेल एज रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट अच्छे खासे, एक्सपेंस थोड़े ज़्यादा हुए, वरना एक्सपेंस कम थोड़ा से कम होते तो ये शेयर और भागता हुआ नज़र आता और कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नज़र आता। और
कि जितने भी केमिकल सेक्टर्स के शेयर है ओके वो भी अपने ऑल टाइम हाई से नीचे गिर चुके हैं। अगर अगर बात करें दीपक नाइट्रेट की, वो भी रिजल्ट के बाद गिरा था। नवीन फ्लोराइड भी गिरा है, पीआई इंडस्ट्री भी गिरा है। तो ये सारे स्टॉक ऊपर से नीचे गिरते हुए, एसआरएफ भी गिरता हुआ नजर आया था, ओके अतुल भी गिरता हुआ नजर आया था। तो ये सारे शेयर यहाँ पर गिरते हुए नजर आया था, तो यहाँ पर भी एक गिरावट हो गई है, तो अच्छी बात है। बाकी अगर बात करें, ये गिरावट इसी की रीज़न है, बाकी और कुछ नहीं है। यहाँ पर लोग और खरीदेंगे और एड ऑन करके ये शेयर जब बोनस वगैरह की एक प्रॉपर डेट आ जाएगी तो ये शेयर 2000 रुपये तक मुझे लगता है कि ये जाता हुआ दिखाई देगा। और 2000 भी नहीं, 1900 भी गया तो भी आपको अच्छे खासे 15-20% के रिटर्न आपको मिलते हुए नजर आएंगे। और 3 महीने में इतने रिटर्न मिल गए तो अच्छी बात होती है। बाकी डिलीवरी पे अच्छे खासे लोगों ने यहाँ पर क्वांटिटी उठाई है। लो दे सकते, 850 रुपये का शेयर था, 1815 रुपये का हाईएस्ट भी दिया है ये शेयर ने। कंपनी यहाँ पर देखिए बोनस डिविडेंड सब कुछ अनाउंस करते हुए दिखाई दिया है। यहाँ पर जो मैं आपको दिखा देता हूँ, डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने आपको डिविडेंड भी दिया है। कितने रुपये का डिविडेंड दिया है, 1.5 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। एज वेल एज बात करें यहाँ पर 1:1 का बोनस, मतलब आपके 100 शेयर है आपके तो आपके पास 200 शेयर हो जाएंगे, कंपनी 100 शेयर और देगी। हाँ, प्राइस एडजस्टमेंट होता ही है वो ऑब्वियस सी बात है, बट स्टिल अगर बात करें यहाँ पर आपके यहाँ पर शेयर भागते हुए ही नजर आएंगे। इसके अलावा और भी देखते हैं यहाँ पर आरती इंडस्ट्री के कुछ पैरामीटर, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी क्या करती है। देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ, तो देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है, यहाँ पर ऊपर की तरफ नजर आ रहा है। थोड़ी बहुत गिरावट देखिए हर एक सेक्टर में यहाँ पर आती है, ओके गिरावट हर एक शेयर में आती है, बट वो एक गिरावट आपको अपॉर्चुनिटी है कि उस शेयर को खरीदिए, जबकि उसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। मार्केट कैपिटल लार्ज कैप कंपनी है। डेट की बात करें, कंपनी का डेट है 71% का, और मेरे ख्याल से ये और कम हो गया है, तो इसे अभी देखेंगे तो आपको पता चलेगी। आरओसी की बात करें, 14% का आरओसी है। प्लेजिंग की बात करें, कंपनी ने कोई भी शेयर गिरवी नहीं रख रखे है। स्पेशलिटी केमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स में कंपनी काम करती हुई नजर आती है, लीडर भी है उसमें। अगर बात करें तो यहाँ पर सेल्स की बात करें, देखिए हाईएस्ट एवर सेल्स होते हुए नजर आए दोनों क्वार्टर्स में। एज वेल एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें, देखिए हर बार मतलब कंपनी अपने आप को प्रूव कर रही है, भाई मैं ही बेस्ट हूँ। और यहाँ पर देखें पिछले 3 बार से यहाँ पर तीनों क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी है। सेल्स की बात करें, यहाँ पर ईयरली बेसिस पे सेल्स यहाँ पर देखिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आपको। सबसे ज़्यादा सेल्स इसी बार की है, इतने 43 करोड़ के आसपास, 4300 करोड़ के आसपास। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सबसे ज़्यादा इस बार का होता हुआ दिखाई दिया है। नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट भी ये पिछले 2 साल से कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर देती हुई नजर आई है। और यहाँ पर रिजर्व्स देखें, कंपनी के रिजर्व्स यहाँ पर अभी दे नहीं रखे पर बढ़ते हुए ही दिखाई देंगे। एज वेल एज बोरोइंग की बात करें, तो यहाँ पर मार्च में देखिए 2073 की बोरोइंग थी। अगर यहाँ पर मार्च देखते और इंटरेस्ट देखते हैं तो 122 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया था, और 2021 में केवल 86, मतलब कंपनी ने अपना डेट भी कम कर लिया। इस चीज़ को भी देखो, यहाँ पर जब ये अपडेट हो जाएगा 2-4 दिन में तो देखना बोरिंग भी कम होती हुई दिखाई देगी। लगभग 40%, लगभग 1500-1600 करोड़ की यहाँ पर बोरिंग का होती हुई दिखाई देगी। तो अगर बात करते हैं कंपनी, देखिए यहाँ पर 2020 में कंपनी ने अपनी फिक्स एसेट बढ़े, मतलब कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, खर्चा करती हुई नज़र आ रही है। तो ये सब चीज़ पैरामीटर आपको देखने हैं, फिर उसके बाद डिसीजन लेना है। ऐसे डिसीजन लेके कि हाँ शेयर रिजल्ट अच्छे नहीं आए, कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है क्योंकि उन्हें पता है आगे चल के केमिकल का जमाना है, तो ये सेक्टर और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, फार्मास्यूटिकल्स के सेक्टर और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो जिस तरीके की सिचुएशन भी है तो ये कंपनी और बढ़ती हुई दिखाई देगी। कंपनी अगर बात करें यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग बात करें तो कितने से लगभग 50% के 0.5% के आसपास यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दी है शेयर होल्डिंग पैटर्न। FIIs ने भी थोड़ा सा यहाँ पर कम किया है, पॉइंट में ही कम किया है, ज़्यादा कम नहीं किया है। DIIs की बात करें, DIIs ने वो चीज़ उठा ली है, DIIs ने 1% के आसपास बढ़ा दिया है अपने शेयर होल्डिंग, और पब्लिक के पास लगभग 28% की होल्डिंग है। सारी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी सारी अच्छे खासे हाथों में है। और अगर चार्ट पैटर्न में बात करें तो देखिए यहाँ पर ही कंसोलिडेट कर रहा है बार बार ये शेयर, और ये मुझे नहीं लगता अगर बाद नीचे गया भी तो ये लास्ट 1643 जो कि आज का लेवल था यहाँ पर देखते हैं, जो कि आज आया भी था इतने पे, सॉरी एक मिनट।
अगर बात करते हैं ये शेयर यहाँ पर आज की डेट में आता हुआ भी दिखाई दिया था, तो इसी लेवल से ये सीधा ऊपर जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर एक आध दिन यहाँ पर और कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई देगा, फिर उसके पास एक साथ जंप लगाएगा और शेयर ये अच्छा खासा आपको भागता हुआ दिखाई देगा। तो बेचने की नहीं, एड ऑन करने की ज़रूरत है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में दीजिए। बाकी यहाँ पर 57 के RSI पे कंपनी चल रही है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर आज की डेट में शेयर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए हैं, तो ये शेयर आपको भागता हुआ ही दिखाई देगा। मुझे थोड़ा बहुत और गिरता है तो बाय ऑन डिप्स करके यहाँ पर और शेयर को यहाँ पर ऐड करेंगे हम अपने पोर्टफोलियो में। बाकी बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की और खुद की स्टडी डेफिनेटली करें। मेरी स्टडी है, मुझे लगता है क्योंकि दोबारा केमिकल के स्टॉक एक बार भागते हुए दिखाई देंगे, तो ये शेयर भी उनके साथ साथ पीछे पीछे लगता हुआ दिखाई देगा। और बोनस की न्यूज़ प्लस में साथ में है, एक दो महीने में जब बोनस आता हुआ दिखाई देगा ओके, तो ये शेयर आपको 2000 रुपये तक टच करता हुआ दिखाई देगा। और 2000 रुपये तक टच कर रहा है तो मतलब अच्छे खासे रिटर्न आपको मिल रहे हैं, इतने ही रिटर्न मार्केट देता भी है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, आपको क्या अच्छी लगी इस वीडियो में तो वो चीज़ आप बताइए। बाकी कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, और लाइक बटन को जरूर हिट कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मोटिवेशन बढ़ाता है हम लोगों का, और हम इस तरीके की वीडियो बनाने की और कोशिश करते हैं। बाकी हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, नए लोगों को भी कनेक्ट करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।